अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हमेशा की तरह पहले असाइनमेंट्स को चेक कर लेते हैं। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये हैं कीवर्ड इन्होंने निकाले। ठीक हो गया। लंच बॉक्स, बेंटो बॉक्स, ठीक है। ब्रांड रेलेवेंट, ब्रांड रेलेवेंट, ठीक हो गया। इन्होंने निशानदेही कर दी है कि जिनमें ब्रांड नेम यूज हुआ हुआ है वो भी बता दिया, जो रेलेवेंट है वो भी बता दिया। अच्छा, कहाँ तक वर्किंग की है? 54 तक रिमेनिंग। मैडम 50 तक की। ठीक चलिए, अब इनमें से है, एक। क्या मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ इनकी, मुझे समझ नहीं आई थी कि इसको किस कैटेगरी में रख। वेंटो बॉक्स, इसको आप कॉपी करें, इसको लेकर आए अपने अमेज़न के पेज पे। सर वो किया है, निकलते लंच बॉक्स ही है। अच्छा, वही प्रोडक्ट आती है जो फिर तो आपकी है? आपको ये रेलिवेंट ही करेंगे इसको। रेलिवेंट ही निकल रही है। ठीक है, यस, फिर इसको ठीक हम है रेलिवेंट कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो इररिलेवेंट है वो नीचे एक ही था, ब्राउन कलर में जैसे ये दो है। ब्रांड के साथ है ना, ब्रांड का नाम को हम जो है वो ब्रांड का नाम जुजार सी बात है हम नहीं वो करेंगे। ठीक है, इसको अब हम इस पर एडिटिंग कर रहे हैं, इसको हमने उड़ा दिया। जो ब्रांड डोमिनेंसी है ना जिनमें, उसको हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है हमारा मतलब नेक्स्ट स्टेप है। जी, जी ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रांड नेम के साथ हम बहुत सारे हटा रहे हैं। ठीक हो गया। ये है एक इररिलेवेंट। ठीक मैंने इसको इररिलेवेंट कैटेगरी में इसलिए रखा था क्योंकि ये ना शीशे की या प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस हैं जो अमूमन है। खाना शाना स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ लोग सही। इसमें लंच भी ले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी तो जुगाड़ निकाल लेते हैं, लेकिन असल में ये है नहीं। बिल्कुल, ठीक ये देखें, ये सुपर रेलेवेंट, इन्होंने सही पहचान की है, हाँ एग्जैक्ट लंच बॉक्स। ठीक हो गया। ये ब्रांड तो नहीं है ना। सिस्टम्स, अगर तो पर ब्रांड ये नेम, ब्रांड है, ब्रांड है। ऐसे में खाली सिस्टम्स लिखे ना तो हाँ बहुत कुछ आ जाता है। हाँ सही उसके साथ बात लंच बॉक्स लिखे तो सिस्टम्स नाम से कोई नहीं आता, लेकिन लंच बॉक्स आते हैं, तो यही रेलिवेंट ही। हाँ सही है। ठीक है, आज कीवर्ड थोड़ा सा वो है, सुपर रेलेवेंट लंच बॉक्स। जी चलो ठीक है। अभी ये इस तरह से आपने इसका स्कोर भी अभी हम देख लेते हैं। हाँ रेलिवेंट और इररेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट इस तरह आपने सारे निकाल लें। ठीक है, मैक्सिमम मैं तो कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हो तो अच्छा है। ठीक है, और मिनिमम भी हो तो आपके पास एटलीस्ट 200 250 300 वर्ड तो होने हो, चाहिए, मतलब क्योंकि मिनिमम। अभी रमजान की वजह से शॉर्ट आपको असाइनमेंट दी गई थी, बट अभी जो ये 50 तक हमने किया है ना,
ये जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं ये आपके पास मिनिमम भी 200 से 250 आने चाहिए। लिस्टिंग के अलावा लिस्टिंग में भी ये काम आएगा, ये कीवर्ड आपको पीपीसी में भी काम आएंगे। हाँ जी ठीक है, वही प्रोडक्ट के लिए। अच्छा जी, अब ये ब्रांड रेलिवेंट है, उठा देते हैं। अब इसका स्कोर देख लेते हैं, ये सुपर रेलिवेंट का स्कोर देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं इसको, स्पॉन्सर्ड को हटा के। ठीक है, एवरेज 75, उसके बाद एक मिनट, ये कंपेटिटर परफॉर्मेंस, ये रहा परफॉर्मेंस स्कोर। ठीक है, 6 है। ठीक है, और इसकी रैंक जो है आपका एक बैठा हुआ है 55 पे बैठा हुआ है लेके, ठीक है 54 पे, फिर 8वें नंबर पे भी है, 67 पे भी है, ठीक है 10वें पे भी है, 6ठे पे भी बैठा हुआ है, ठीक है रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे भी बैठा हुआ है यही कीवर्ड पे। ठीक है, ओके हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये बिठा देता है अच्छे तरीके से। ठीक है, सुपर रेलिवेंट, लेकिन इस पे चलो लिस्टिंग है तो लिस्टिंग पे इसको सुपर रेलिवेंट तो फिर एक ही कीवर्ड होता है इसमें, वो इतना वो नहीं हम कर सकते। जो थोड़े से रेलिवेंट होते हैं ना, फिर उस पे हम असल में गेम खेल रहे होते हैं, आपकी लिस्टिंग की भी और आपकी पीपीसी की भी। ठीक है, चलो जी, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ये जो है वो निकाल दिए इस तरह के रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट, ठीक है, और इररेलीवेंट आपने हटा दिए, ब्रांड रेलिवेंट भी आपने हटा दिए। ठीक है, अब आपके पास आ गई ये कीवर्ड। ठीक है, चले ये सर उस्मान की तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बाकी दूसरों की पहले चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, चलिए, गुड वर्क, ओके जी। उसके बाद ये नहीं, राबिया ने नहीं जमा करवाई, नहीं मेरे ख्याल से, नहीं चेक कर लीजिए, नहीं ये 11वीं है, एक बार 13 ये है, ये लिस्टिंग वाली लिंक, ये लिंक। ओके ओके, लिंक कैनवा पर, कैनवा पे नहीं देना था, कैनवा पर नहीं देना था, क्योंकि हम उसको चेक कैसे करेंगे, आपको कैसे वो समझाएंगे। अब जिस तरह सर उस्मान ने लगाई लिस्टिंग तो उसमें थोड़ा हमने उनको समझा पाया। अच्छा 13 में क्या है, ये लिस्टिंग इन्होंने दिखाई है, स्पॉन्सर्ड वाले उठा लिए, चलो ठीक है, अमेजोन चॉइस है इसके पास, ओके हो गया। ये सारा बता रही है इनकी लिस्टिंग वगैरह, एक कंटेंट है, ए प्लस कंटेंट है, सही ग्रो में लेकर गई हैं ये, गेट कंपेटिटर करके लेकर आई हैं। ठीक है, और ये स्टेप इन्होंने उठाया, और उसके बाद वो शीट कहाँ गई, एक्सपोर्ट की, वो शीट एक्सपोर्ट करनी थी, वो एक्सपोर्ट करनी है, उसके बाद उसको कीवर्ड को रेलिवेंट, इररेलीवेंट और सुपर रेलिवेंट सारे निकालने। ठीक है, चलिए जी, आपका आधा काम हुआ है, आधा आप बाद में दिखा दीजिएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद है ठीक है, चलिए ये कौन है, आसिया गनी जमा कराई है, 13 किधर है सर, वो शीट है सर, आप शीट पर देखें, A3 आसिया लिस्टिंग के नाम से, A13 असाइनमेंट 13 सर, आसिया लिस्टिंग। ओके, ओके, ये ठीक है, जबरदस्त, वेरी नाइस। अब ब्रांड वाले को क्या करना है, ठीक है इस तरह माइनस कर दिया है, स्पॉन्सर्ड वाला है ये भी कोई खास नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाले को भी फिलहाल आप निकाल दो, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वाला कुछ पता नहीं होता उसको कि कहाँ पे वो रैंक करवा रहा है, बिड से रैंक करवा रहा है, किस चीज से रैंक करवा रहा है। इररेलीवेंट भी हटा दें आप,
इररिलेवेंट तो 100% आपने हटाना है, ब्रांड नेम जहां पर आएगा वहां पे हटाना है आपने। सर इन्होंने जो इररिलेवेंट बोला हुआ था वो क्या था? अच्छा ये वाला जो था ना वो यही था, मैट्रिक्स प्रोटेक्टर ही था, मुझे वो पढ़ना था जी। एक मिनट, मैट्रिक्स कवर डबल बेड मतलब इररिलेवेंट ही कैसे हुआ? ये कह रहे हैं सिंगल मैट्रिक्स प्रोटेक्टर है इनका, फिर कहती है ये वाला जो है जी मैम वो मिस्टेक हो गई, सही कर रही हूँ उसको, वो शायद कॉपी पेस्ट हो गई। हाँ क्योंकि वही प्रोडक्ट है ना, ये रिलेवेंट नहीं बनता। ठीक है वो सेम प्रोडक्ट पे रिलेवेंट आ गया। ठीक है मैट्रेस कवर ये भी सर रिलेवेंट है, रिलेवेंट अगर देखें आसिया, इररिलेवेंट हम उन कीवर्ड्स को बोलते हैं जिनको आप कॉपी करके जब अमेज़न पर लेके जाते हो तो वहां पे अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं खुलती ना, कोई और प्रोडक्ट निकल आती है, तो हम उस कीवर्ड को इररिलेवेंट बोलते हैं। जी 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 ठीक है। अच्छा आगे जी मैम वो बस हो गई मिस्टेक, चलें कोई बात नहीं, शायद कॉपी वो बोल्ड करने में ना मुझसे हो गई है मिस्टेक शायद। वैसे आपकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपने इस कॉलम को बोल्ड किया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। चलिए इस तरह आप ये कीवर्ड अपने निकालते हैं जो ऐसे कीवर्ड जिससे आपकी देखिए मैट्रेस प्रोटेक्टर किंग, ये किंग कोई ब्रांड हो सकता है? जी जी ब्रांड है, ब्रांड है वो, तो इस ब्रांड को मैंने स्पॉन्सर्ड शो किया हुआ यहाँ पर। ठीक है बैरल कॉन्सेप्ट आपका 77 प्लीज, ये 77 चेक कीजिएगा, ये अंडर शीट लिखा हुआ है एक्चुअली। ये शीट की क्या मतलब है? सॉरी कॉलम पे 77 लाइन पर आइएगा। क्या है ये अंडर शीट? ये क्या है? इसको आप किस कैटेगरी में ठहरा रही हैं? जी ये मैम ये बेडशीट वो फिटेड होती है ना, फिटेड बेडशीट, ये उसमें आ रही है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। देखें तो इसको क्या कहा है, इसको क्या कहेंगे? इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट आपका वो है बेड कवर है, मैट्रेस कवर है। बेसिकली अंडर शीट भी जो होता है वो भी कवर ही करता है। इसको ना फाइनलाइज करने के लिए आप इसको कॉपी करके अमेज़न पे जाएं। हाँ, वो सिंपल। आप वहाँ देखें कि क्या वही प्रोटेक्टर नुमा प्रोडक्ट्स ही ओपन हो रही हैं या डिफरेंट है? वैसे तो जी अच्छा, ये फिटेड बेडशीट आ रही है वहाँ पर, लेकिन ये है कि ये काम फाइबरों का दे रही है, जैसे कि प्रोटेक्शन दे रही है। आप मेरी बात सुने, हम बेड के अंदाजा नहीं लगा सकते, हो सकता है हम इंसान है, हमारी जो है वो ना सोच काम कर रही हो। आप इस कीवर्ड को उठा के Amazon के पेज पे सर्च करें, अगर वहां पे आपकी जो प्रोडक्ट मेन कीवर्ड वाला ही प्रोडक्ट निकलती है तो ये रेलेवेंट है, अदरवाइज कोई और प्रोडक्ट निकलती तो इररिलेवेंट है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट आप क्लियर। ठीक है ओके चलेंगे, गुड हो गया। स्कोर मैंने तो सारे कीवर्ड उठा उठा के चेक किए थे जी जी जी, फिर जो ही रेलिवेंट था उसी को ही फिर लिखा था। जी जी जी, बड़ा औखा काम है ये। जी, जी इसको बिल्कुल, काफी टाइम बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक एक कीवर्ड ही देखना है, मेहनत वाला है बिल्कुल, ये है बिल्कुल। और सर ये आपने एक दफा मेहनत कर ली है, आगे जाके आपको इसके रिजल्ट बड़े फ्रूटफुल मिलेंगे जी, क्योंकि सारी गेम जो बैकएंड पे है कीवर्ड्स की ही है। कुछ ऐसे भी इसके अंदर नाम लिखे हुए थे जिनका अगर हम सिर्फ पहला वर्ड लें ना और उसको सर्च करें तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता, कंपनी का नाम ही था बस। अच्छा ऐसे का नहीं, आप सर ये काफी 1 से लेके 50 तक के थे ना, उनके हमने देखने जो इन्होंने बोल्ड किए थे ना, हटा दी ना इन्होंने, हटा दी। आप छोड़ दें फिलहाल आसिया नहीं, इसको भी हमें थोड़ा सा चेक करने दें। सर मेरी शीट चेक कर रहे हैं? जी जी आपकी कर रहा हूं। अच्छा अच्छा ओके ओके, फटाफट सर स्कोर चेक कर लीजिए, तो 1 घंटे की ही उनकी क्लास है।
सही है, जबरदस्त। ठीक है, नहीं लेकिन ये टू है, टू है सर। खैर इन्होंने अभी वो सारी चीजें हटा दी है ना, तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा वो रेलिवेंट कौन सा है, इरेलीवेंट कौन सा है, सुपर रेलिवेंट कौन सा है। सर एक मिनट रुकिए, सर आप नीचे हैं, बहुत बेलो पर हैं। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, हाँ दिस इज गुड, 10 स्कोर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, मतलब एक कीवर्ड टोटल इन्होंने जो वो अच्छे वाले निकाले हैं, कुछ इसमें से हो सकते हैं। और इन कीवर्ड्स की जो रैंकिंग है ये देखें, आपके जो कंपेटिटर्स हैं, कोई 8वीं पोजीशन पे बैठा है, कोई 13वीं पोजीशन पे बैठा है, फिर ये 15वीं। एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ठीक हो गया। आसिफ के कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारे कंपेटिटर्स फर्स्ट पेज के ऊपर हो तो हमारा कंपटीशन टफ नहीं हो जाता? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। इससे हमें ये तसल्ली हो जाती है, ये जो कीवर्ड्स हम लेकर आए हैं इनको यूज करके हमारी भी पहले पेज पे जगह बन जाएगी, क्योंकि उसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कोई एक दो बंदा थोड़ी कर रहा होता है, सर्च वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी फिर भी कहीं ना कहीं जगह बनती है फर्स्ट पेज पे। हाँ, और इतना औखा काम हर बंदा नहीं करता, ठीक है। चंद आपको ऐसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग मिलेंगे जो करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है, पैसा थोड़ा है, मेहनत ज्यादा है। अच्छे जी, अंबरजी सर जो ब्रांड वाले हैं उनको मैंने स्पॉन्सर्ड कर दिया था, वो एक ही चीज कहलाएगी ना, स्पॉन्सर्ड या ब्रांड? इररिलेवेंट है, ब्रांड वाले लेकिन इनको स्पॉन्सर्ड को इग्नोर किया गया है। स्पॉन्सर्ड अच्छा। तो मतलब वो ब्रांड हो या ना हो, स्पॉन्सर्ड वाले तो वो मतलब वो पीपीसी के थ्रू आए हैं, आगे जाके हम पीपीसी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ हो इसका मतलब है कि इसके ऊपर इसके ओनर ने एड चलाए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट को, एडवर्टाइजमेंट करके वो आया है। ठीक है, तो जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसका फैसला हम ले नहीं सकते कि एट द एंड ये कौन सी पोजीशन पे स्टे करेगी, इसलिए स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स को हम लोग यूज नहीं करते, पैसे लगा के वो रैंक पे बैठा हुआ। अच्छा जी, खैर ये नहीं है यहाँ पर, 11th वाली है। अंबजबीन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, असाइनमेंट नंबर 13 इनकी नहीं है, मैं अंबजबीन है ज्वाइन किया हुआ, नोट डाउन भी इनको करवाया था कि इनकी असाइनमेंट जमा नहीं हुई है, कहीं और इन्होंने फेस्ट किए तो अलग बात है। उसमें की हुई है लिस्टिंग बाय अंबर, इस तरह लिख कर ओके, ये रही और असाइनमेंट नंबर 11 भी मैंने कर, एक रह गई बस। ठीक है ठीक है, ये आ गई है लिस्टिंग, ठीक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इरेलीवेंट है। ठीक है, इरेलीवेंट इसलिए क्योंकि ये ब्रांड है, बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग पे। हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही इन्होंने पहचान की है रेलिवेंट की। अच्छा, इस तरह से आप कीवर्ड हटा देंगे इसको ना। अच्छा, इसको जो छोड़ा है ये क्यों छोड़ा है आपने? रैप स्लिपर्स। जी सर, समझ नहीं आई क्या कहा? यहाँ पे आगे कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया, ये रैप स्लिपर्स आपने जो लिखा है बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा। अच्छा, रेलिवेंट था, रेलिवेंट है इसलिए आपने इसके आगे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, जो मैंने खाली रखी है। ठीक है, ठीक हो गया। सर बॉस जो हम देखते थे कीवर्ड, अगर वो अमेज़न चॉइस भी है और उसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा है, तो वो आगे जाके ये इसके वो कम हो जाती है जो कंपटीटर्स की रेटिंग है, तो उसमें भी फर्क पड़ता है फिर? नहीं मतलब क्या आपका सर फिर हम शुरू में जब सारा कुछ हमें मिल जाता है तो एंड में आके स्कोर नहीं मिलता,
तो फिर सारा कुछ एंड तक देख के फिर हम फाइनलाइज करेंगे कि हमने कौन सा कीवर्ड लेना है। नहीं नहीं वो मसला नहीं है, स्कोर आप सिर्फ देखेंगे ठीक है, और उसको फाइनलाइज इस तरह से करेंगे 10 से लेके 6 के अंदर अंदर जितने कीवर्ड आते हैं ना आप वो उठा लें, क्योंकि वो स्कोर का मतलब ये है कि उनके ऊपर उन्होंने दूसरों ने एक्सपीरियंस किया है और ये वो कीवर्ड है जो कि सेल्स लाके देते हैं ठीक है फर्स्ट पेज पे, तो वो उसको स्कोर हम कहते हैं। तो 10 से लेके जैसे 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप अगर उसको कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो वो 7वें पेज पे आपको जाके बिठाएगा, 8वें पे बिठा देगा, 10वें पे बिठा देगा, तो इस तरह से ये देखिए आपके सामने गंदी रेटिंग वाले भी थोड़े से विजिट कर लेते हैं ताकि ये रेटिंग गंदी ये देखें। अब ये दूसरा इसका स्कोर है ठीक है, उसकी पोजीशन काउंट ही नहीं कर पा रहा, मतलब कहीं पे भी इतनी दूर है, बहुत दूर जाके इसको फेंक, ये कम से कम 7वें पेज तक आपको ले आता है, 7वें के बाद तो दिखाता ही नहीं है कि भाई ये पता नहीं कहाँ है। अच्छा ये एक आधा कंपेटिटर जो है एक सेकंड ये 54 पोजीशन पर है, सम टाइम ऐसा होता है कभी कभार इस तरह ठीक है ये, लेकिन ये सेकंड पेज है, ओनली सेकंड पेज है, आगे देखें फिर गुम है, किसी की कोई डेस्टिनेशन नहीं पता इस कीवर्ड पे, इसलिए ये कीवर्ड इंतहाई बेकार है और इसका स्कोर क्या है, उसको लगाने का फायदा नहीं है ना, बिल्कुल वही ना, इसलिए 10 से 6 तक वाले ही कार आमद होते हैं, अंडे की खाल है वो फायदा नहीं है उसको इस्तेमाल करने का कोई खास ठीक है। अच्छा ये वाला जो फर्स्ट वाला था इसको फ्रीज भी तो करें ना, अगर नहीं आता तो दोबारा सीख लें, ये देखें इसको क्लिक करें ठीक है, ये सारा सेलेक्ट हो गया खुद ही, ये फर्स्ट वाली लाइन, ये व्यू में जाके ये फ्रीज, ये अप टू 1 रो ठीक है, अब नीचे जाएंगे तो ये इधर ही रहेगा, ओके हो गया। चलो जी ये क्लियर है आप लोगों का ठीक है, जो इररिलेवेंट होंगे वो आप हटा देंगे, ब्रांड्स के नाम के जो होंगे वो आप हटा देंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ आप वो कीवर्ड उठाएंगे जो कि रेलिवेंट होंगे ठीक है या सुपर रेलिवेंट होंगे बस ठीक होगा, और उनका स्कोर कम से कम 10 से 6 तक, 4 तक भी आप देख लीजिए, अगर 4 की परफॉर्मेंस अच्छी है वो फर्स्ट पेज पे बैठे हुए या सेकंड पेज का तो काम का नहीं ठीक है, फर्स्ट पेज पे बैठा तो वो उठा लिया ठीक है। अच्छा जी इस तरह से आप जो है वो क्लाइंट हमें देते हैं कीवर्ड्स निकाल के कि आप इसको चेक करें लिस्टिंग बनाएं, नहीं जी क्लाइंट क्यों देगा, ये एक वीए का काम है, ये एक वीए की ड्यूटी है। आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, म्यूट कर दें सर मैं जी, क्वेश्चन कीजिएगा आप आसिया जी। सर मैं ये कह रही थी कि ये क्लाइंट हमें निकाल के देते हैं कीवर्ड में से कि हमें इस तरह ये कीवर्ड है हमारा और इसकी लिस्टिंग कीजिए, नहीं नहीं आसिया ये हमें खुद ही निकालने होते हैं। मैंने इसी का आंसर अभी किया कि ये क्लाइंट का काम नहीं है, आप क्लाइंट के वीए होंगे ठीक है, उनकी जो प्रोडक्ट आपने हंट करके दी है उसकी लिस्टिंग आपने करके देनी है और इस ही तरीके से करनी है। अच्छा, कि पहले आप कारामत कीवर्ड्स निकालेंगी, ये क्लाइंट को तो पता भी नहीं। मैम मेरा सवाल ये यानी कि हम आ रहे हैं अभी, हम कीवर्ड्स अपना विनिंग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उसी विनिंग प्रोडक्ट के हमने कीवर्ड्स निकालने जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, उसी के पास जो प्रोडक्ट होगी वो आपको कहेगा इसकी मुझे जो है वो लिस्टिंग बना फर्ज करें। हाँ, अब उसका कुछ भी कीवर्ड मैं अब दूसरी एग्जांपल देती हूँ, फर्ज करें आपने मार्केट में अपना ब्रोशर लगाया कि जी आप एक पीए हैं, एक क्लाइंट आपके पास आया वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ आपसे लिस्टिंग करवानी है ठीक है, आपने तो उसको हंटिंग करके नहीं दी, आप उसको बोलेंगे जनाब आपकी प्रोडक्ट क्या है, वो आपको अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड बताएगा ठीक है, फिर आप अमेजोन पे जाके ये सारा प्रोसेस करके उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड फर्स्ट पेज पे जो जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं रैंक हुए पे वो निकालेंगी, फिर आप उसको एक अच्छी लिस्टिंग बना के देंगी, वो आगे चल के आपको सिखाते हैं कि कैसे लिस्टिंग बनाएंगे ठीक हो गया जी ठीक है। ओके जी नेक्स्ट असाइनमेंट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सर। जी सर मैंने ना असाइनमेंट सबमिट करवा दी थी, अभी भी सबमिट है, लेकिन सर वो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए लिस्टिंग के मैंने ना, तो फिर मैंने बाद में सोचा कि मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ,
तो मैं वहां पेस्ट करने लगी थी, तो जो 50 थे ना मैंने वहां तक सिलेक्ट किया, बाकी मैं सारे वो रिमूव कर रही थी, मेरे से पूरा ही बैक स्पेस चला गया, मतलब मेरे जो पेज है ना उसमें मेरी बाकी असाइनमेंट पता नहीं सारी बैक स्पेस में चली गई, आ ही नहीं रही। फिर मैं दोबारा कैनवा पे गई, मैंने अपनी 12 और 13 फिर सब दोबारा से लगाई। अच्छा चलें देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन ये इस तरह नहीं करना था, शीट आपने जस्ट एक्सपोर्ट करनी थी। चलें इसको एक नजर मार लेते हैं। अच्छा ये गलती, ये देखें ये जो कीवर्ड है सर, एक नंबर बैक कीजिएगा प्लीज। ये देखें ये स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे सर जरा मेंशन कीजिएगा। अभी मैंने पहले रिपीट की ये बात कि स्पॉन्सर्ड वाली जो प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर तो आपने देख लिया किसके पास बैच है, बट दूसरी चीज नहीं आपने देखी कि ये स्पॉन्सर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, अभी इस कीवर्ड की जो पोजीशन है वो स्टेबल नहीं है, पता नहीं इसकी डेस्टिनेशन कौन सी होगी, तो स्पॉन्सर्ड वालों को नहीं लेना था, वैसे इग्नोर कर देते, इग्नोर कर दिया करें नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। बुलेट्स पॉइंट्स, ये क्या है? लिस्टिंग में ये तो नहीं यूज करना था, ये तो आपका उसका है। ख्याल है हम जब कोई टूल, हमने जो टूल इंस्टॉल किए हुए ना वो कुछ कुछ निकाल के दे देता है, शायद बाकी ने वो गलत नहीं, ये तो कैलकुलेटर, ये तो लेक्चर का तो है ही नहीं ना। हाँ ये उसका है, मैं असल में यही पूछ रहा हूँ कि लेक्चर का तो है ही। अच्छा कैलकुलेटर की भी जहाँ तक बात है, हमने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करना है, हीलियम का हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, हमने Amazon का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करना है। ये भी इसकी डिटेल्स फजूल है हमारे लिए भी फिलहाल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये इसकी जो है वो A+ कंटेंट है। ठीक है, सॉरी ब्रो, हाँ यहाँ से असल काम शुरू होना था, इसको एक्सपोर्ट करना था, आपने किया भी है, बट इसका स्क्रीनशॉट है, इसको हम कैसे चेक करें अब? चले बस इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ से तस्वीरों से तो नहीं होगा ना। चलिए तो एक बार कोशिश कीजिए कि जो हम बातें रिपीट कर रहे हैं बार बार, उनको कॉन्सेप्ट्स को पिक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 13 10 11 तो लेन आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है, की शायद सबमिट भी नहीं है। ठीक है, अलीजे की सबमिट हुई भी है, अलीजे अलीजे की चेक की। इनकी A1 के नाम से कोई शीट थी, उसमें इनकी असाइनमेंट नंबर 13 थी।
जी सर ओसमान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कभी कभी भूलना पड़ता है खुद से। अच्छा जी A13 तो ये आसिया है, A13 बाय अलीसे किधर है? अलीसे आपकी शीट पर ही है, चले रो नंबर 9 में शो हो रहा है। चले ठीक है वो देख लेते हैं, ये वाली 9 ये रही, ये रही ठीक है। एक्सेस शीट का? अच्छा जी नहीं नहीं आप कॉपी पेस्ट कर लेती ना इसको, अभी तो आपको हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, अब आप वहां से एक्सेप्ट करेंगी फिर ये 2-3 साल में खुल जाएगा इधर। अच्छा उसको ना अलीजा सिंपल आपने कॉपी पेस्ट कर लेना था इधर, जैसे सर उस्मान ने की हुई है, जैसे मिसासिया ने की हुई है ना, इस तरह सिंपल कर देना था। अच्छा चलें बाद में देख लेते हैं। असल में कल लिस्टिंग पहली दफा स्टार्ट हुई थी ना, तो सारे खुशी के मारे समझ नहीं आ रही थी कि काम कैसे करना। सही है सर, एक और भी टूल का भी तो मसला हुआ हुआ था ना, उसकी वजह से मुझे लगता है सारे कंफ्यूज हुए वैसे। अच्छा जी ठीक हो गया, रमजान भी तो है ना, रोजे भी तो है ना, इस वजह से भी। चलिए जी ठीक है। अच्छी कुरत लेन की मैंने देखी थी असाइनमेंट, कहीं इन्होंने सबमिट करवाई थी, जब मैंने चेक की है अभी कहाँ है इसमें देख लेते हैं, ये तो कैनवा का लिंक है। अली जी आप कर लें उसको, चेंज कर लें फटाफट जल्दी से अगर आप लैपटॉप, ये रही कुरत लेन की। अच्छा जी ये है रेलिवेंट, ठीक है ये रेलिवेंट है, ठीक है लार्ज डिश ट्रैक, ठीक है डिनर ट्रैक रेक। अच्छा ये रेलिवेंट, सारे रेलिवेंट है, सारे रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है कटलरी ट्राइनर। अच्छा ये रेलिवेंट है, चलें इसको इरेलिवेंट वाले को अब हटा देंगे, ठीक है। अच्छा जी बाकी सारे रेलिवेंट है, वॉल प्लेट रैंक ठीक है इसको हटा देते हैं। इरेलिवेंट को आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह ये इरेलिवेंट जो है ना वो मैं माइनस करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है आप लोगों ने भी इस तरह से करना है। किचन बोर्ड ये इरेलिवेंट है, ठीक है सही है। ये आपको इरेलिवेंसीज की कहाँ से पता चलेगी? अमेजोन के पेज के ऊपर, इसी कीवर्ड को जब आप लेकर जाएंगे आपकी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी, कोई और प्रोडक्ट आ रही होगी तो आप उसको इरेलिवेंट कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। चले जी ये हो गई इनकी, अली जी आप जल्दी से उधर पेस्ट कर ले ताकि अब आपकी असाइनमेंट की बारी है, ठीक हो गया। चले जी ये इरेलिवेंट में माइनस करता हुआ जा रहा हूँ इनका, आप देख लीजिए इसको बात रहे, इन्होंने तो देखे 200 से भी ऊपर तक कर लिया, जबरदस्त 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 वही ना माशाल्लाह, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उनको याद आ गया होगा कि ये जो है ना इस तरह से होता है, ठीक है एक दो हाथ जो है ना वो सेट हो जाता है ना तो फिर ये ओके हो जाता है। चले जी ठीक है ये सारे इरेलेवेंट है। सिंक ऑर्गेनाइजर, सिंक टाइडी, क्लोथ्स ड्राइंग, लार्ज ट्रे, सारे इरेलेवेंट है, ठीक है। चलें जी इसमें आपको एक एक कीवर्ड जो है ना आपके एक तो काम का भी है, ठीक है अगर एक कीवर्ड आपने गलत ले लिया तो आपके आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना आपकी लिस्टिंग को। चलें जी
बातें सारी अच्छे लोग अच्छे अच्छे कर लेते हैं, है जी। अच्छा बातें करनी आसान होती है ना। बात ये बात है, मुझे भी सिखा दो यार किस तरह ये बातें कर, मुझे भी सिखा दो थोड़ी सी। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं 11, 13 सर, 13 है जी, चले शुक्र है, अदरवाइज फिर जो है ना मैंने वो 11 ओपन कर लिया। अच्छा 11 नहीं, वो उनकी में बोल रहा था, ये जो अलीजे हैं उनकी में कह रहा था कि वो अगर कर देती पेस्ट उसको तो वो जल्दी से देख लेगी, पूरा लिंक ये इसी पे गया है ना। अच्छा जी गुड, जबरदस्त, ये आपने गेट कंपटीटर निकाल लिए, ओके हो गया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया और इसको स्क्रीनशॉट ही ले लिया, स्क्रीनशॉट चलें ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है ठीक है, सुपर रिलेवेंट क्लिपर्स फॉर वुमेन, नेल क्लिपर हाँ रिलेवेंट ठीक है। चले जी बहरहाल आप देख लीजिए, आपके पास 1700, 1800, 2000 कीवर्ड आते हैं ठीक है सर, उसमें से आपने ये निकालना होते हैं ठीक है। सर ये मेरे पास तो 6000 कीवर्ड आए हैं जो आप चेक कर रहे हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है ठीक है, तो मिनिमम भी मैक्सिमम जी जी। सर मुझे बड़ा मसला हुआ, ये जो साथ वाला कॉलम बनाया ना, यहाँ जो मेरा ऑलरेडी पहले था ना वो मेरा कहीं गायब हो गया, फिर वो मुझे मिला ही नहीं पूरा एक घंटा के, वो कहाँ चला गया उसको। सिंपल उसी टाइम आप कंट्रोल Z का बटन दबाती आपका जो भी आपने स्टेप किया हुआ था वो अनडू हो जाता। इस तरह अगर कोई चीज आपसे अचानक गायब हो जाए ना और आपको समझ ना लगे तो आप फटाफट से कंट्रोल Z दबाया करें दो तीन बार तो आपकी शीट वापस नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, और ये एक बार भी नहीं हुआ, ये मैंने तीसरी बार वहां से यहाँ लेके आई हूँ तो तीनों बार मेरा वो गायब होता रहा, फिर मैंने कर ही लिया, मैंने कहा चले अब ये डिस्कस हो जाएगी क्लास में। सही ठीक है, चलिए ठीक हो गया, स्कोर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना मिस सवेरिया आपका? जी जी हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, देखिए हाँ 8 तक का आपने लिया है ठीक है उसका, ये तो खैर सीपीआर है, सीपीआर अब तो नहीं देखते हम इसको, कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस स्कोर रेलेवेंट, हाँ रेलिवेंट और इरेलिवेंट तक किया है, इससे आगे नहीं काम कर सकी मैं अभी। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, टाइम के इशू की वजह से। जी सर, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट